हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ना, मैं कर रही हूँ व्रत के खाने की तैयारी। उसमें जो है, पहले नवरात्रि की तो मैंने ना कद्दू की सब्जी बनाई है, और मैं आलू की सब्जी बना रही थी तो मैंने सोचा कद्दू बना लेती हूँ। तो मैंने ना कद्दू की सब्जी बना ली थी। मैंने कद्दू को कट कर लिया है, उसका छिलका निकाल के उसे अच्छे से साफ करके काट के मैंने उसे रख दिया है। और इधर ना, मैं उसमें आज लहसुन प्याज वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करते हैं व्रत में, क्योंकि हम लोग ना उत्तराखंड के लोग, हम रात को व्रत में नमक ही खाते हैं। तो मैंने ना दो टमाटर लिए और खूब सारा धनिया लिया। हरा धनिया तो आजकल है ही अवेलेबल बहुत सारा, आजकल हरा धनिया की कमी नहीं है। तो मैंने दो टमाटर लिए और हरा धनिया अदरक वो लिया। मैंने उसे साफ़ करा, धोया, साफ करके धो के वगैरह मैंने उसे मिक्सी में पीसूंगी मैं उसे मसाला बनाने के लिए ना। फिर मैंने धो के लाई, पहले मैंने टमाटर को धो के लेके आई और मैंने मिक्सी के जार में डाला और उसे पीसूंगी। मतलब बारीक सा वो बना के, वैसे हाथ से भी कर सकते थे लेकिन उसमें ना थोड़ा सा सब्जी वैसी हो जाती है। तो मैंने उसे पीस के उसे मिक्सी में पीसूंगी और जो है खाने की तैयारी करूंगी। तो ना वीडियो को पूरा देखा करें, ब्लॉग को अंत तक देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें। उसके बाद मैंने उसमें धनिया काट लिया। धनिया मैं साफ़ करके लाई थी, पहले मैंने उसको धोया और उसे साफ करा और उसको मैंने जो है कट के साफ करके, पहले मैंने पानी से साफ करा उसे और उसके बाद उसे काट के मिक्सी में मैंने उसे पीस लिया। और थोड़ा सा उसमें पानी मिला देती हूँ ताकि वो पीस जाए। और उसके बाद मैंने एक कढ़ाई रख दी, तो उसमें मैंने मेथी डाली क्योंकि कद्दू में मेथी तो पड़ती है। मेथी डालने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा तेज़ पत्ता डाला, फिर मैंने उसमें लौंग और काली मिर्च डाली। थोड़ा सा टेस्ट अलग आ जाता है ना, लौंग और काली मिर्च हर थोड़ी डाली क्योंकि ज़्यादा डाली उससे ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। तो उसके बाद मैंने जो है अपना जो पिसा हुआ मसाला था उसे मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया, मसाले को। तो और फिर मैंने जो है वहाँ पे उसको मसाले में उसके अच्छे से ग्रेवी बन जाएगी, ग्रेवी बन के वो तैयार हो जाएगा। फिर मैं उसमें कद्दू छोंक दूंगी। और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था आप सबके साथ। मैं सब्जी बना रही थी, मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लूँ, आप सबसे शेयर करूँ व्रत का खाना। और फिर उसके बाद मैंने उसमें जो है हल्दी, धनिया, नमक वगैरह ऐड करा। थोड़ा सा हल्दी लिया, थोड़ा हल्दी, धनिया, नमक वगैरह डाल के और सब्जी तैयार हो जाती है मेरी। और खाने में आज काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मुझे और काम भी है। आजकल इलेक्शन चल रही है तो हमारी ना उसमें भी ड्यूटी लगी हुई है, तो मुझे उसे भी देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ मुझे अपना चैनल भी चलाना है, तो मेरे चैनल को ना सपोर्ट करें दोस्तों। और ये मेरी ग्रेवी उसकी तैयार हो गई है, इसमें हरा धनिया और मैंने कद्दू को छोंक दिया है। और ये मेरी बनने वाली है कद्दू की सब्ज़ी। और मैंने उसमें फिर मैंने बनाया था रायता। रायता बनाऊंगी, पूरी बना लूँगी या रोटी बनाऊँगी, पूरी बनाऊँगी। और उसके बाद मैंने बूंदी जो है रख दी है दही में, थोड़ी देर के लिए भीग जाएगी तो नरम सी हो जाएगी। और रायता वगैरह बनके तैयार हो गया है। दही लाई थी मैं और इसको थोड़ा देर भिगा के रख दो, उसमें कद्दू की सब्जी में अच्छा टेस्ट आ जाता है दोस्तों। तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें दोस्तों। चैनल सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये बन गया है मेरा रायता, बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा दोस्तों।